गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। सो वी गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज द फिजिकल फिटनेस? इट इज ए कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर। आफ्टर दैट कंप्लीट हिज वर्क ही स्टिल हैज मोर कैपेसिटी टू कंप्लीट अनदर वर्क और playful activity. So, in these circumstances, is only thing that our recovery period. Yeah, recovery time is short. एक एनदर परिभाषा देते हैं, इट इज एन एबिलिटी टू एन इंडिविजुअल टू डू हिज वर्क विदाउट फैटिग्यू एंड आफ्टर दैट कंप्लीट दिस वर्क ही हैज स्टिल कैपेसिटी टू डू मोर वर्क। कुल मिला की बात यह है कि इसमें फिजिकल फिटनेस आपको तभी माना जाएगा फिजिकली जब आपका रिकवरी टाइम आप शॉर्ट होगा, छोटा होगा। क्योंकि अगर हम रूटीन काम ही करें, कोई भी रूटीन काम, आपके बेटे के काम में नहीं, आप पढ़ने के बाद घर जाते हैं और फिर खेलते हैं और शाम को होमवर्क भी करते हैं, बीच में आप थोड़ा सा आराम जो करते हैं उसी की बात यहां कर रहे हैं। रिकवरी पीरियड या रिकवरी टाइम आपका शॉर्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर आप कैपेसिटी आपकी तैयार हो गई काम करने की। इसी को फिजिकल फिटनेस कहते हैं। फिर जितना कम आपका रिकवरी टाइम होगा उतनी ही आप फिजिकली फिट माने जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेलनेस। वेलनेस इज ए मेजर टर्म रिलेटेड टू अवर हेल्थ। इट इज ए एबिलिटी ऑफ बैलेंस। किस चीज का बैलेंस? अवर बॉडी, अवर माइंड, अवर सोल। बच्चों, हमारी बॉडी, माइंड और सोल में बैलेंस होना ही वेलनेस है। और ज्यादा समझने के लिए ये हमें सेल्फ मोटिव देती है और समाज के लिए कुछ अच्छा हम करें ये अंदर से प्रेरणा आती है, इसी को वेलनेस कहते हैं। और अगर मैं इसको व्यापक अर्थों में कहूं तो आजकल हमारे ऊपर क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल दबाव होते हैं, स्ट्रेस होता है, फिजिकली हम थोड़े परेशान रहते हैं, एक इंडिविजुअली हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है। तो इस तरह जो दबाव को सहते हुए हम आगे निकले और स्वयं में खुश रहे उसी को हम वेलनेस कहते हैं। स्वयं में प्रेरणा मिले, एक अच्छा नागरिक बनने की और समाज और देश के लिए कुछ करने को, इसी के लिए हम वेलनेस कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टाइल और वेलनेस को मैंने आपके हेल्थ से रिलेटेड कहा। एक बहुत बड़ा टर्म बोला हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि आपको एक बात फिजिकल एजुकेशन में बार बार कही जाती है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक, तो जब आप फिजिकली फिट होंगे तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइफ स्टाइल। आप जो रोज काम करते हैं, प्रतिदिन सोकर उठे, जितने काम किए फिर सो गए,
कहां गए कहां नहीं, ये सब आपकी लाइफ स्टाइल है। पर क्या आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है? नो, बिकॉज आजकल लाइफ स्टाइल पे हमारे कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। क्या क्या है? अगर हम पोल्यूशन को ले, स्ट्रेस को ले और बैड हेल्थ को ले, हमारी एक भी गुड हैबिट नहीं है, हम हाइजीन को भूल गए हैं, बिना हाथ धोए हर जगह चले जा रहे हैं। कोरोना काल में तो आप धो ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल बन गई है, गंदगी से रहना, फिट ना रहना, फिजिकल एक्टिविटी में करना, हमेशा एकदम आराम से, कोई चिंता नहीं। लेकिन चिंता उनको बहुत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेशर है। तो लाइफ स्टाइल अगर आपकी अच्छी नहीं है, ठीक, तो आप सक्सेस होने के चांसेस काफी कम होंगे, आप किसी भी काम में जल्दी रुचि नहीं लेंगे, ठीक। और आपको हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो मानसिक आपकी हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, आपको कई तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। यहां लाइफ स्टाइल पढ़ने का मेन मोटो ये है कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस ले आए, कैसे चेंजेस, आप एक दो चेंजेस ले लीजिए, जैसे हाथ धोना, अच्छी डाइट लेना। कौन अच्छी डाइट का मतलब वो नहीं है, अच्छी डाइट का मतलब जिसमें न्यूट्रिशन, जिसमें पोषक तत्व हो, वो डाइट आप लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी को जरूर जोड़िए, क्योंकि खाकर मोटा नहीं होना है, ठीक, फिजिकली फिट रहना है, समझ में आया। तो आप अपने लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और तमाम तरह की बीमारियों को दूर भगाइए, सही पकड़िए आप, दूर भगाइए। तो लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए और लाइफ स्टाइल के चेंज से आप आगे की प्रॉब्लम के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, ठीक। तो ये हम तीनों टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल फिटनेस ये कैपेसिटी है, ठीक, और ये क्या है बच्चों, ये प्रैक्टिस अवेलनेस, प्रैक्टिस तो आपको हर दिन काम नहीं बैठाना है, या आप उसको एबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक। अंत में है लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मन पर पड़ता ही पड़ता है। तो ये तीनों टॉपिक यहीं पर खत्म होते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। थैंक यू।